डोनाल्ड ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी पाने की होड़ में उतर चुके हैं। ट्रंप खुद को एक पीड़ित की तरह पेश कर रहे हैं, जिसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का दुनिया में कम होते दबदबे को मुद्दा बना रहे हैं, अपने उस समर्थक वर्ग को दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं जो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। इसकी एक बानगी देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की ये लोकप्रियता उन्हें 2024 का सबसे प्रबल राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाती है, जिसमें इस कानूनी कार्रवाई का ट्रंप को फायदा होता दिख रहा है। सोमवार को टीवी चैनल CNN की तरफ से कराए गए एक जनमत सर्वे से सामने आया कि रिपब्लिकन पार्टी समर्थक 79% मतदाता ट्रंप पर चलाए जा रहे इस मुकदमे से खफा हैं। इस मुकदमे का ही असर है कि रिपब्लिकन पार्टी के वो नेता भी ट्रंप के साथ खड़े हो रहे हैं जो रिपब्लिकन पार्टी में उन्हें चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे। इसमें सबसे प्रमुख नाम फ्लोरिडा राज्य के गवर्नर रॉन डिसेंटिस का है। डिसेंटिस ने न्यूयॉर्क जूरी के फैसले की कड़ी निंदा की है। जानकारों के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों के बीच ट्रंप की जैसी ऊंची लोकप्रियता है, उसे देखते हुए पार्टी के तमाम नेता इस मुद्दे पर ट्रंप का समर्थन करने पर मजबूर हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब साल 2016 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, तब भी उन पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगा, लेकिन फिर भी अमेरिकी जनता ने उन्हें अपना राष्ट्रपति बनाया। जब वो राष्ट्रपति बने तब वो कई बार महिला रिपोर्टर्स को भी भला बुरा कहते सुने गए। ट्रंप का ये रूप भी उनके समर्थकों को मंजूर है। अमेरिका का एक बड़ा तबका आज भी ट्रंप को बाइडेन से बेहतर मानता है। उसे विश्वास है कि ट्रंप के साथ पिछले चुनाव में नाइंसाफी हुई, जिसे वो इस बार ठीक करके सारे हिसाब चुकता कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम का।